मुंबई में हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली वेस्टर्न रेलवे ठप हो गई है। वजह है 3 जुलाई सुबह 7:30 बजे के आसपास अंधेरी रेलवे ट्रैक पर रोड ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरना, जिसकी वजह से चर्चगेट से विरार और विरार से चर्चगेट जाने वाली ट्रेनें ठप हो गई हैं। घटनास्थल पर रेलवे कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, बीएमसी कर्मचारी रेस्क्यू के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसमें देरी हो रही है। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं, साथ ही ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि मलबे में कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। तेज बारिश के चलते रोड ओवर ब्रिज पर कम लोगों के होने की बात भी कही जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से सितंबर 2017 के रेलवे एल्फिस्टन ब्रिज की सीढ़ियों पर हुए हादसे की याद दिला दी। फिलहाल रेस्क्यू जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते देरी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और आज विरार से चर्चगेट और चर्चगेट से विरार की तरफ जाने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।